Good morning guys, now I'm going to have bread and cheese. So let's make it and have it. गाइज आई एम ऑलमोस्ट रेडी और मैं फुल हैंड का वेयर की हूँ बिकॉज मुंबई में भी ठंड चालू हो गई है. जैसे ही शाम होती है और 7, 8, 9 ऐसे बजते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा अपने ब्रीजी और अच्छा हो जाता है. और हाँ गाइज मेरी तो शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है. लाइक कंटिन्यूस 9-10 दिन से मैं बाहर जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, कुछ ना कुछ खरीदारी. और इतने सारे ड्रेसेस मैंने खरीदे एज इफ मैं सिर्फ ड्रेस ही वेयर करती हूँ, जबकि मैं सिर्फ पजामाज या जीन्स वगैरह में ही रहती हूँ. बट ठीक है, अभी शादी में जाना है तो उसकी शॉपिंग तो ढंग से तो किया नहीं है मैंने, तो वो तो दिवाली के बाद ही होगा. अभी फ़िलहाल तो दिवाली का ही हम लोग ज़्यादातर कर रहे हैं कि दिवाली में क्या वेयर करना है, दिवाली में क्या बनाना है. तो आज हम जा रहे हैं डीमार्ट गाइस. लाइक मैंने व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया है, लाइक मैंने आप सबको तो अच्छे से बताया नहीं कि आज मैं क्या करने वाली हूँ. सो गाइस आज मैं जाने वाली हूँ डीमार्ट विथ माई आंटी. मैं हूँ, हनी है, तो हमें काफ़ी सारे सामान खरीदना है. सबसे पहले तो घर के सामान खरीदना है और उसके बाद डीमार्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे एथनिक वेयर लाइक पजामास और यू नो घर पे वेयर करने के लिए अच्छा पैंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं. सो मैं देखने जाने वाली हूँ कि इस बार डीमार्ट में क्या क्या कलेक्शन है और आप सबको भी दिखाऊंगी. तो अगर आप चाहो, वैसे आप काफ़ी सारी चीज़ें डीमार्ट से खरीद सकते हो, लाइक 5 रुपये से स्टार्ट होते हो. तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत सारे डीमार्ट ब्लॉग्स बनाए हैं बिकॉज ऑलमोस्ट 2 महीने में तो हम फिर हर मंथ तो जाते ही हैं. तो मैं काफ़ी सारी लाइक चप्पल्स लेती हूँ, पैंट्स लेती हूँ, घर में जो पैंट वेयर करती हूँ मैं वहीं से लेती हूँ. 250-200 में बहुत अच्छा मिल जाता है. सो आज गाइज एंड तक देखना कि डीमार्ट में क्या क्या है मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ. एंड दिवाली है तो क्या स्पेशल है, क्या और एक्स्ट्रा वो लोग ने ऐड किया है, और विंटर्स भी है तो क्या एक्स्ट्रा ऐड है, लेट्स सी. सो चलो, मैंने अपने घर में बोला है अगर 1:30 के ऊपर आप लोग निकलोगे तो मैं नहीं आने वाली हूँ साथ. सो सब लोग रेडी हो रहे हैं और मैं भी ऊपर रेडी होने के लिए आ गई हूँ. सो चलो मैं नीचे जाती हूँ, अदरवाइज मैं ही 1:30 के ऊपर कर दूंगी, फिर सब मुझे चिल्लाएंगे. सो लेट्स रोल. इतना जोश में मैंने लेट्स रोल. 3 दिनों बाद ये बैकग्राउंड. मतलब डीमार्ट जाने के लिए इतना खुश है सब. ये सब तो बहुत ही बेसिक है जो हमेशा होता है. ओह गॉड गाइस बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है यहाँ पर. चलने के लिए भी जगह नहीं है, लाइक एक एक स्टेप्स लेने के लिए 5-5 सेकेंड लग रहा. गाइस इधर काफ़ी सारे डिमांड, तैयारी की त्यौहार की तैयारी, खुशियाँ. अब बजट में दिया वगैरह है और हम बेडशीट वगैरह लेने आए हैं तो हम सेकंड फ्लोर से शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं. सब कुर्ती वगैरह है. और ये सब देखकर एकदम खाना से मन हो गया, भूख लग गई मुझे जोर से. फाइनली गाइस
डेढ़ घंटे बाद हनी पेट से मल, अरे ये सारी चीजें खरीदी। माई गॉड वेरी टायर्ड। सो गाइस शॉपिंग डन। क्या खाना है? नहीं आइसक्रीम। कौन सा? वेनिला। मैं तो मिक्स खाऊंगी। वो गरम खाएंगे, गरम भी। पैसेंजर गाड़ी होगी। मैं ऊपर अपना सामान लेकर आ गई हूँ। मैंने थोड़ा सा खाने का सामान भी लाया है, सो मैं ऊपर आई हूँ बिकॉज मैं फ्रिज में रख सकती हूँ। सो गाइज ये सारे सामान मैंने अपने लिए लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, यस ये सब लिया है। सो ये पैंट है, मैं घर के लिए ली हूँ, घर में वेयर करने के लिए। जस्ट फॉर 249 LXL ऐसे तो था, अब लेट्स सी ये होता है कि नहीं। ये बेल्ट ली हूँ मैं, आई गेस ये होगा 50 या कितना 99 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का है ये बेल्ट। एंड ये मैंने स्प्रे बॉटल लिया है, दिस इज़ फॉर 59 रुपीज़। ये मैंने क्लिप्स लिया है 29 का। ये कभी कभी खाने के लिए मकेन पोटैटो चीज़ शॉट्स, इसे मैं जाके फ्रीजर में रख देती हूँ। ये 200 रुपीज़ का है। और काफ़ी दिनों से गाइस, काफ़ी दिनों से मैं इसे ढूंढ रही थी। दिस इज़ बायोटिक बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम। काफ़ी अच्छा लिप बाम है ये, इसमें टिंट भी है। सो लाइक नीचे जा रहे हो या फिर आपको घर में से वेयर करना है तो इस टिंट भी देता है, प्लस ये क्या बोलते हैं मॉइस्चराइजिंग भी है। हाँ सो ये मैंने लिया है, फाइनली मुझे मिल गया है आफ्टर आई गेस हंटिंग फॉर 1 week और 10 days। फिर ये मेरा ब्रश पैडल लाइक घूम गया लास्ट वाला, दिस इज़ फॉर 99 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने एक और पैंट लिया है, हियर इट इज़ गाइस। अच्छा पैंट है, लाइक क्वालिटी भी ठीक ही ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर, दिस इज़ फॉर 399, 400 का है ये। साइज़ 30 मैंने लिया, 30 मेरा वेस्ट साइज है। एंड देन एक मैंने लॉन्ग टी शर्ट लिया है घर में वेयर करने के लिए, जो कि ऑलरेडी आपने क्लिप्स देखा जो हनी रिकॉर्ड कर रही थी। सो ये आगे ऐसा प्रिंट है तो फिर अच्छा रहता है घर में। 199 का है ये, 200 या। मैंने ये एसॉन का पैंटी लिया है, दिस इज़ इन साइज़ L, 179 का, 3 है। कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हॉल हो गया है तो। नेक्स्ट मैंने मेयोनीज लिया है। मैंने कल जो पिरी पिरी सॉस लेकर आई थी वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा, बहुत लिक्विड ही है वो। एंड दिस इज़ 1000 आइलैंड ड्रेसिंग, ओके इट्स अ ड्रेसिंग सॉस, 81% फैट फ्री, होपफुली वो वैसा ही हो, आजकल कुछ भी लिख कर आता है। 29 रुपीज़ का ये क्लिप लिया है, 29 का ये लिया है, सब कुछ 29। कुछ है? कुछ तो है। और ओ निविया लिप बाम भी लिया है मैंने। सो योर इट इज़ गैस, दैट्स इट गैस। 3 मिनट में मेरा हॉल वीडियो हो गया है। सो यस, यही सारी चीज़ें मैंने खरीदे थे डिमांड से। इस बार इतना ज़्यादा कुछ कलेक्शन उनके पास नहीं था, बट ठीक है, जो भी मैंने लिया है आई एम हैप्पी। जो ज़रूरत के सामान है वही सारी चीज़ें मैंने लिए हैं। अब मैं जाकर कुछ कुछ चीज़ें फ्रिज में डालती हूँ और फिर कुछ खाते हैं क्योंकि मुझे भूख लगी। अभी मैं खाने वाली हूँ डोरिटोस, दिस इज नाचो चीज़ फ्लेवर, एंड हम उसके ऊपर डालने वाले हैं ड्रेसिंग सॉस। यम्मी गाइस, इट्स नाचोस एंड ड्रेसिंग सॉस। Guys, अभी मैं जा रही हूँ शिवांश के घर। मास्क कैसे लटक रहा है शिवांश? थोड़ा बार बार ठीक कर लेना। ये तो शिवाजी का पुतला है ना, ये सब हम लोग कल्याण में जब रहते थे ना, सब लड़के लोग मिलकर ऐसे से बनाना, फिर दिवाली के दिन इसको फोड़ना। सो गाइज आई एम बैक होम, वहां पर मेरे कपड़े सब पड़े हुए हैं। ऑल्सो मैंने थोड़ा सा शॉपिंग किया है, मेकअप शॉपिंग। लाइक शॉपिंग तो लिटरली मेरी खत्म ही नहीं हो रही है। आज मैंने व्लॉग भी इससे ही स्टार्ट किया था और एंड भी ऑलमोस्ट इससे ही हो रहा है। देन डी मार्ट में तो मैंने आप सबको दिखाया, तो मैं बस वही अब चेंज करने जा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू वेयर माई नाइट सूट। और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी खाई है, जैसे कि पहाड़ी चिकन एंड वॉट एल्स, मोमोज
एंड जूस पिया, बहुत ही मजा आया। सो यस गाइस, मैं घर पर आ गई हूँ एंड दैट इज ऑल आई डिड टुडे। चलो अब मैं जाऊंगी नीचे डिनर करने, फिर ऊपर आऊंगी। देखते हैं आज शायद हमें नान खटाई या फिर गुजिया वगैरह कुछ तो बनाना है। लेट्स सी कि घर पर जाके क्या होता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गई है और चाबी अंदर। अब हम अंदर कैसे जाएंगे?